अक्सर लोग YouTube वीडियो देखकर खाना बनाते हैं या कोई दूसरा कोई और काम करती हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक पति ने जो किया उससे सभी लोग हैरान हैं। इस शख्स ने YouTube वीडियो देखकर अपनी पत्नी की डिलीवरी करनी चाही। उसकी इस कोशिश में नवजात बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हैरान कर देने वाला मामला तमिलनाडु के रानीपेट का है। यहां 32 साल के लोगन नाथा नामक व्यक्ति ने एक साल पहले ही गोमती नाम की एक महिला से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही गोमती गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी की डेट 13 दिसंबर की दी थी, लेकिन 13 दिसंबर ठीक से बीत गया और 18 दिसंबर को उसे लेबर पेन हुआ था। लेकिन उसे लेबर पेन हुआ तो उसका पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय घर पर ही रखा। पति पर आरोप लगाया गया है कि उसने यूट्यूब देखकर उसकी डिलीवरी करनी शुरू कर दी। इसके लिए उसने अपनी बहन की भी मदद ली, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी और बच्चा भी मर चुका था। गोमती के शरीर से काफी खून बह चुका था। इसके बाद जल्दबाजी में उसे पुन्नाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे वुल्लोर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नवजात की मौत के बाद पुन्नाई के प्राथमिक स्वास्थ्य अफसर ने गोमती के पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बच्चे की मौत को लेकर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और बच्चे के पिता से पूछताछ की जा रही है।